हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अवर न्यू चैप्टर फन विद इंग्लिश। फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश के जो पैराग्राफ्स वगैरह आ रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में हम पैराग्राफ पढ़ेंगे जिनके कि हम फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे। पहले एक पैराग्राफ होगा, उसको हम अच्छे से थॉरली पढ़ लेंगे, उसके हम वर्ड मीनिंग्स कर लेंगे, उसके बाद हम जो उसमें क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं वो करेंगे। बट अभी हम क्या करने वाले हैं, जो भी पुराने हमारे क्वेश्चन पेपर में जितने भी हमारे वर्ड्स आए हैं सबकी हम मीनिंग समझ लेंगे, ताकि हमारे को एक नंबर पक्का हो जाए। वर्ड मीनिंग्स बहुत आते हैं एसएससी सीजीएल वगैरह के एग्ज़ाम में, जो इंग्लिश का पेपर उठा के देख लो, एसबीआई के क्लैरिकल या बैंक के क्लैरिकल एग्ज़ाम्स में जितने भी हैं इंग्लिश के वर्ड मीनिंग आते ही हैं, 5 नंबर में आते हैं। तो हो ये मैं वही क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, वी में स्टार्ट टुडे। वॉलेटिलिटी, अस्थिरता, जैसे कि कोई चीज़ वोल्टाइल होती है। शेयर मार्केट इज एन एग्जाम्पल, इट इज़ वेरी वोल्टाइल, मीन्स कभी ऊपर जाएगी कभी एकदम से नीचे आ जाएगी। आज शेयर का दाम 700 रुपये है, कल 500 भी हो सकता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज वॉलेटिलिटी। सेकेंड देखिए, इन्फ्लुएंशियल, हैविंग पावर या इन्फ्लुएंस, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर इज़ हैविंग वेरी मच पावर टू डू डिफरेंट थिंग्स, तो ही इज़ एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन। इन्फ्लिक्ट का मीनिंग है फोर्स समबडी, मतलब आप किसी को फोर्स करेंगे कुछ करने के लिए, इन्फ्लिक्ट, इन्फ्लिक्ट करना, फोर्स समबडी, मतलब जैसे आप किसी को जबरदस्ती कहें कि आप ये काम कीजिए, या आप बच्चे होते हैं पेरेंट्स को फोर्स करते हैं कि प्लीज परचेज दिस, तो दिस इज कॉल्ड इन्फ्लिक्ट। व्रीक, टू कॉज ग्रेट डैमेज, कैसे, जैसे साइक्लोन आया उसने बहुत सारा डैमेज कर दिया, तो ही सॉरी सर, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्रीक। अ साइक्लोन केम एंड इट कॉज ग्रेट डैमेज, दैट वुड कॉल व्रीक, व्रीक करना। अर्थक्वेक होता है, वो भी एक व्रीक का एग्जाम्पल है, इट मे कॉज ग्रेट डैमेज। ठीक है, ईर्न, YEARN, टू वॉन्ट समबडी या फिर समथिंग वेरी मच, ईर्न का मतलब क्या होता है, टू वॉन्ट समबडी या फिर समथिंग वेरी मच, बहुत कुछ चाहना। व्रैंगल का मतलब होता है नॉइजी आर्गुमेंट, मतलब होता है कई बार आप किसी से भिड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा जोर से बोलने लगते हैं, तो नॉइजी आर्गुमेंट होता है। बेसिकली क्या है, ये फाइट नहीं है, फाइट और व्रैंगल में ये अंतर होता है। फाइट में तो यू गिव अ किक और यू गिव अ बॉक्सिंग टू अ पर्सन, बट व्रैंगल में यू शाउट ऑन द अनदर पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वर्स्ट सिनेरियो डिस्क्रिप्शन हो। वर्स्ट सिनेरियो का मतलब, वर्स्ट मीन्स बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ हो जाना, सिनेरियो होता है कोई चीज़ का डिस्क्राइब करना। जैसे कि आप एक पार्टी में जाते हैं और फिर आप अपने घर में बताते हैं कि पार्टी में खाने को ये था, ये लोग आए हुए थे, ये, सो दैट इज़ कॉल्ड सिनेरियो। लेकिन वर्स्ट ऐसा होता है कि मान लो आप पे किसी ने पानी डाल दिया और आपके पूरे कपड़े ख़राब हो गए, तो वो वर्स्ट सिनेरियो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एमेच्योर, इसका मतलब होता है डन नॉट फॉर मनी, जैसे आप कोई काम करते हैं और आपको उसके बदले में कोई पैसे नहीं मिलते हैं। जैसे कि हम ये वीडियोस बना रहे हैं, तो हमें कोई यूट्यूब अभी पैसे वगैरह तो दे नहीं रहा है, लेकिन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स वी आर मेकिंग वीडियोस, तो दैट इज़ एन एमेच्योर वर्क। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखेंगे हमने कौन कौन से वर्ड्स आज पढ़े। वॉलेटिलिटी होता है अस्थिरता, एग्जाम्पल इज शेयर मार्केट। इन्फ्लुएंशियल, दैट हैज़ हैविंग अ इन्फ्लुएंस और पावर, जैसे कि सरपंच वगैरह इन अ विलेज। इन्फ्लिक्ट होता है फोर्स समबडी, जैसे कि बच्चे बड़ों को फोर्स करते हैं कि हमें ये चीज़ दिलवा दो। व्रीक का मतलब होता है टू कॉज ग्रेट डैमेज, मतलब कुछ डैमेज करना, इसका एग्जांपल है अर्थक्वेक। ईर्न होता है टू वांट समबडी या समथिंग वेरी मच, मतलब आप जैसे एक लवर होता है, ही वांट्स दैट हिज लवर में कम एंड ही गिव हिम फ्लावर्स, तो ये ईर्न होता है, मीन्स कुछ चीज़ चाहना। व्रैंगल होता है नॉइजी आर्गूमेंट, जैसे कि आप शाउट करके किसी से झगड़ा करें और बोलें। वर्स्ट सिनेरियो होता है डिस्क्रिप्शन, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना। ठीक है, एमेच्योर होता है डन नॉट फॉर मनी, जैसे कि हम कर रहे हैं वीडियोस बना रहे हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय।